8072 x square plus 2x minus the common. तो यहाँ पर इसका दो पार्ट होगा, प्लस एक्ट होगा माइनस एक्ट होगा, लेकिन कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है, जीरो से टू। ओके, मैं जीरो से टू देखना है कि कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है। मॉड का दो पार्ट है, प्लस एक टू माइनस का। जीरो से टू के बीच में क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट, कहाँ का ये जीरो होता है देखो, क्रिटिकल पॉइंट ये कहाँ का जीरो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। क्या वन पुट करने से जीरो हो रहा है? ओके, कहाँ का जीरो, वन पुट करने से जीरो हो रहा है बच्चों, हो रहा है। ओके, एक्स इक्वल टू वन में अगर पुट करते ये जीरो हो रहा है, वन पुट करने से जीरो हो रहा है। अच्छा, और कहाँ पर जीरो हो रहा है? इसको मिलिटर फैक्टर से मिल कर सकते, एक फैक्टर उसको मिल गया एक्स माइनस वन है इसका। ओके, और एक फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस थ्री साइड। ओके, अच्छा ये हमारा एक फॉर्मूला था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल एक्स। ये सेटिस्फाई करना है, इंटू करने से माइनस थ्री होना है और आर करने से ये ए प्लस बी होल एक्स टू एक्स आ रहा है। तो और एक फैक्टर रहेगा एक्स इक्वल टू कितना, इक्वल टू जीरो करो। ओके, और एक फैक्टर आएगा एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल माइनस थ्री पुट करने से ये जीरो हो जाएगा। देखिए माइनस थ्री का स्क्वायर कितना, नाइन। एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पुट करने से जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और ये माइनस थ्री पुट कीजिए ये माइनस सिक्स माइनस थ्री ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू वन में जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री में जीरो हो रहा है, लेकिन माइनस थ्री हमें नहीं चाहिए, माइनस थ्री नहीं चाहिए। इसके बीच में एक ही आया क्या, वन आया। मॉड का दो पार्ट होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो वन पुट करने से जीरो बन जा रहा है, वन प्लस टू थ्री माइनस थ्री जीरो बन जा रहा है। कहाँ कहाँ जीरो बन रहा देखना है, कहाँ जीरो बनना है देखना है, कहाँ पॉजिटिव बनना देखना है, कहाँ नेगेटिव बनना देखना है। और इनके बीच एक पॉइंट हो, वन हाँ वन पॉइंट फाइव, ये शायद पॉजिटिव आएगा। वन पॉइंट फाइव का हाफ, थ्री बाई टू का हाफ, और थ्री बाई टू का हाफ थर्टी नाइन बाई टू। यहाँ पर वन हाफ पुट करो, थ्री बाई टू पुट करो प्लस थ्री, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो वन से ज़्यादा में ये पॉजिटिव आ रहा है, प्लस टू एक्स माइनस थ्री। और वन से लेस में देखते हैं, मीन्स मैं काम करूँ हाफ लो, हाफ लो ये वन बाई फोर, वन बाई टू लो। जीरो और वन के बीच में एक पॉइंट लो, यहाँ पर हम वन और टू के बीच में एक पॉइंट लिए, थ्री बाई टू लिए, पॉजिटिव है इसमें डालो। जीरो और वन के बीच में पॉइंट लो डालो, इसमें भी डाल सकते हो, यहाँ पर ये फैक्टर जाए इसमें भी डाल सकते हो, जल्दी होगा। सब तुम्हें वन हाफ ले, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। सब ये हाफ ले, हाफ ले तो माइनस हाफ हो रहा है, और ये प्लस आ रहा है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस है, ये माइनस है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस। तो हमारा बच्चों मॉड का दो पार्ट होता है, प्लस इंटू माइनस इंटू होता है। तो आपका जीरो से वन ये माइनस आया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना टू एक्स माइनस थ्री। और ये वन से टू, वन से टू आपका प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। मॉड का दो ही पार्ट होता है, एक तो प्लस होता है माइनस होता है, और कहाँ जीरो होता है देखना है। तो बच्चे इसका कर दीजिए, आंसर क्या है मुझे बोलिए थोड़ा।
which is the integration x cube by 3 plus 2 x square by 2 or minus 3x, okay, 0 to 1. Again, समझो बच्चों x cube by 3, okay, तो handwriting थोड़ा अच्छा नहीं है मेरा. Again, ये x square by 2 minus 3x, ये x cube by 3 plus 2 x का x square by 2 integration ये minus 3x, ये 1 से 2. पहला बच्चों 1 का डाले, ये 1 by 3, ये 1 का square, 1 का डाले 1 by 3, 1 का square 1, minus 3. ओके, पहले 1 का डालते बच्चों, उसके बाद 1 के डालने के बाद 0 का डालोगे, ये 0 डालने से 0 हो जाएगा. तो 1 का डाले 1 by 3 plus 1 का square 1, minus 3. जीरो डालने सब जीरो थे. तो जब पहले हम यहाँ पर हम टू का पहले डालेंगे, उसके बाद वन का डालेंगे. टू का क्यूब 8 बाय 3 प्लस टू का स्क्वायर 4 माइनस 12 नहीं माइनस 6. टू डाल दे बच्चों, टू का स्क्वायर 4 ये टू का 8 क्यूब 3 टू का स्क्वायर 4 माइनस 6. तो वन डाले बच्चों, ये 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस, अगेन 1 बाय 3 1 माइनस. इससे पहले इसका मान 0 टू 1 ये माइनस था, यानी आपका माइनस 1 बाय 3 बनेगा, ये माइनस 1 बनेगा प्लस ये 8 बाय 3. ओके, ये प्लस 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 2 लिख दे, माइनस 2 लिख दे रहा हूँ, ये 4 माइनस 6 माइनस 2, ये माइनस 1 बाय 3, ये माइनस 1 प्लस 3, ये सेम आएगा, ये पूरा ये सेम आएगा, पीछे वाला थोड़ा अलग आएगा, 8 बाय 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 टू माइनस 1 बाय 3, अगेन 2 टू माइनस 1, कर लेते हैं माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 कट हो जाएगा, ये माइनस 1 2 आएगा, 8 बाय 3. ओके, ये द्वारा बच्चों क्या हुआ, ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 कट हो गया, 2 को माइनस 2 बाय 3 अगेन 3 माइनस 1, ये एलसीएम आपका 3 आएगा. ओके, ये माइनस 2 डायरेक्ट इंटू हो जाएगा 6 प्लस 8, 14 माइनस 3 11 बाय 3 यूनिट स्क्वायर. अच्छा, तुम लोग का क्या आंसर आया, मैं इसका आंसर थोड़ा चेक कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बोलिए. 4 आया बच्चों, हम लोग को दर्द की बात ये सर 4 होगा 12 में. ओके सर, लास्ट स्टेप में गलती है, कहां करे तू आज बोलो, कैलकुलेशन में लास्ट स्टेप यहां पर. ओके, ये माइनस 2 ये प्लस 6 प्लस 8 14 14 माइनस 2 14 माइनस 2 ये 12 हुआ, 12 बाय 3 4 आए. थैंक यू बच्चों. तो 4 यूनिट कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड. ओके, अच्छा रेस्पॉन्स तुम लोग का. नेक्स्ट देखिए, ये सब लिख दिए कोई, नेक्स्ट एनसीईआरटी का करते हैं हम. ओके, तो एक बात ध्यान लीजिए, कहाँ जीरो होता है पहले निकालना है, उसके बाद कौन सा एरिया में पॉजिटिव आता है, कौन सा एरिया में नेगेटिव आता है. और एक बात है, यहाँ पर तुम पहले से इंटीग्रेशन कर लोगे, अगर बहुत बड़ा होता है तो पहले से इंटीग्रेशन कर लो, क्योंकि इसका एक इंटीग्रेशन करना है, एक इसका एक इंटीग्रेशन करना है,
दोनों एक ही इंटीग्रेशन है, पहले से इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट डाल दो, वो भी होगा डायरेक्ट। तो ये करते हैं क्वेश्चन। ये सेम थिंग है, ये कहाँ जीरो हो रहा है पहले देखना है, ये माइनस वन और कॉम माइनस वन और थ्री बाई टू कहाँ जीरो हो रहा है, ये एक्स साइन पाई एक्स ओके, जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। एक्स का वैल्यू अगर हम जीरो देते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, साइन पाई बच्चों बोलिए, ये साइन जीरो डिग्री जीरो होता है तो साइन पाई भी जीरो होता है, साइन एन पाई जीरो होता है, साइन 180 इसे ग्राफ करके भी देख सकते हो साइन पाई क्या होता है, इसे ग्राफ करके अगर तुम भूल जाते हो कि साइन पाई क्या होता है, साइन जीरो डिग्री जीरो, साइन 91 ओके, साइन पाई होता है 10, तो साइन पाई जीरो होता है। तो एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, एक्स का वैल्यू 1 पुट करता हूँ इधर, तो ये पाई हो जाएगा, साइन पाई जीरो हो जाएगा। तो इतना में बच्चों और भी नहीं है, और 2 पाई भी होता है लेकिन इससे ज़्यादा हो जाता है, साइन 2 पाई भी जीरो होता है ओके, साइन 2 पाई साइन एन पाई जीरो होता है ओके। तो हमारा क्या है, ये 2 है लेकिन ये 1/2 ही है और इतना ही आएगा, इनके बीच में जीरो आया तो आना है ठीक है। तो कहाँ ये जीरो होता है पहले निकालना है, उसके बाद इनके बीच में पॉइंट है देखना है कौन सा पॉजिटिव है, क्योंकि मोड का 2 पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है एक नेगेटिव पार्ट होता है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है देखना। तो काम करते हैं जीरो और हाफ के बीच में पॉइंट लेते हैं, जीरो और हाफ के बीच में पॉइंट लेते हैं, देखिए हाफ ले लेते हैं, हाफ लेने से ये 1/2 और ये साइन 91 होता है, साइन 91 होता है तो ये पॉजिटिव आता है यहाँ पे इसके बीच में, एक्स साइन पाई एक्स ये पॉजिटिव आया होता है, इनके बीच में ले तो पॉजिटिव, हाफ ले तो ये हाफ साइन 91, इनके बीच में कॉर्ड लीजिए माइनस लीजिए, माइनस हाफ ये माइनस 1/2 होगा ओके, ये साइन माइनस 90 होगा, उनके बीच में लीजिए हाफ लीजिए ये माइनस हाफ है क्या है, और माइनस हाफ लीजिए इनके बीच में ओके, जीरो और माइनस 1 ये माइनस हाफ है और ये माइनस हाफ डालिए साइन माइनस 90। एएचटी शेड्यूल आपको जानना है, एएचटी शेड्यूल ओके, एक्चुअल माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये किया जाता है, यहाँ पर कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक माइनस थीटा सेक थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस ये भी माइनस दो माइनस, ये साइन माइनस थीटा आएगा तो माइनस साइन थीटा ओके, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी माइनस 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 प्लस, ये पार्ट यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव आया बच्चों, यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव आया ओके। अच्छा इधर देखते हैं 1 और 3/2, एक काम कीजिए 3/2 भी लेके देख लीजिए, क्योंकि इसके 1/2 वन का और क्या दो नहीं उससे ज़्यादा, 3/2 लेके देख लीजिए, ये 3/2 है ओके, साइन 3π/2 ओके, साइन 3π/2 माइनस माइनस 1 होता है ओके, साइन 91 होता है, देन साइन 3π/2 माइनस 1 होगा, ये पाई है और ये π/2 है, ये 3π/2 है, और तुम इसे ग्राफ भी करके देख सकते हो, साइन 0 डी 0 साइन 91 साइन पाई 180 साइन 3π/2 ये बड़ा माइनस होता है ओके। और नहीं तो और एक टर्म मैं बोलता हूँ, और एक टर्म ओके, सर्कल यूनिट सर्कल बोलता हूँ ओके, बच्चों का ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ये π/2 3π/2 पाई में क्या होता है, ये एक्चुअली 1 यूनिट है, ये कोऑर्डिनेट आएगा 1 0, ये कोऑर्डिनेट आएगा 0 1 ओके, ये कोऑर्डिनेट आएगा -1 0 और ये कोऑर्डिनेट आएगा 0 -1, ये आपका 0 डिग्री है
ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 273 पाई बाय 2 डिग्री है, और 360 डिग्री है। पहला कॉस कितना होता है, उसके बाद साइन कितना होता है। देखिए कॉस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 180 माइनस 1 होता है, साइन 180 0 होता है, कॉस 270 0 होता है, साइन 270 माइनस 1 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1, कॉस 360 1 होता है, साइन 360 0 होता है। ये भी है ओके। और एक बात है, इधर द्वारा साइन 0 डिग्री 0 साइन पाई 180 भी 0, लेकिन कॉस 0 डिग्री 1 कॉस 180 माइनस 1, साइन 91 साइन 270 माइनस 1 प्लस माइनस होता है। अबे साइन 91 तो साइन 270 माइनस 1, इधर कॉस 0 डिग्री 1 तो कॉस 180 माइनस 1। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख दीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, हेल्प करेगा तुम लोग को। कॉस 270 साइन 270 का वैल्यू क्या है, ये यूनिट सर्कल। अभी इसे चाहिए वाला वैल्यू सब चाहिए, नहीं तो इसे ग्राफ करके भी आप याद कर सकते हैं, ग्राफ करके। ओके देखिए, तो बच्चों यहाँ पर 3/2 जो है यहाँ डालिए, ओके 3/2 साइन 3π/2 माइनस 1 होता है। मैं बोल रहा था साइन पाई बाई टू अगर 1 है, साइन पाई बाई टू 1 है, साइन 91 है, साइन 3π/2 ओके ये माइनस 1 होता है। तो बच्चों ये माइनस 1 हो, तो प्लस इंटू माइनस, या अगर मैं 3/2 डाल देता हूँ, ये 3/2 में 0 नहीं होता है क्योंकि, लेकिन ये हमारा दिया है तो कुछ नहीं कर सकते, एक्चुअल 3/2 में 0 नहीं बन रहा है, दिया है तो डाल दीजिए 3/2। ये कितना 3/2, ये साइन माइनस पाई, ओके साइन माइनस पाई वाला, और क्या डाले हम 3/2 डाले, साइन 3π/2 डाले, 3/2 इधर साइन 3π/2 माइनस 1 होता है, साइन 3π/2 डाल करके देखिए फिर हमारा माइनस 1 होता है, साइन 180 0 साइन 3π/2 माइनस 1। तो ये माइनस इंटू प्लस नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक्स साइन पाई एक्स नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा ये डायट एक साथ कर सकते हो माइनस में, तो ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो, डायट भी कर सकते हो। ये माइनस वन से देखिए प्लस वन, इसका एक पॉजिटिव आया ओके। और ऐसे भी कर सकते हो माइनस वन से जीरो पॉजिटिव, फिर जीरो से वन पॉजिटिव, आंसर सेम आएगा। फिर ये माइनस वन से 3/2 का नेगेटिव आया, मॉड का दो पार्ट है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव आपको जानना है। ठीक है बच्चों, अब हो गया, समझ में आ गया आपको, अब बनाइए। अच्छा इसके एक तो करने से बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और डायरेक्ट डाल देंगे ओके। ये बाय पार्ट्स में बच्चों होगा, एक्स साइन पाई एक्स ओके, एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स ओके। तो अच्छा बाई पार्ट्स में डाली बाई पार्ट्स आईलेट इनवर्स लॉगरिथम पहले अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजेब्रा उसका ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी है, तो हम फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ही होल एक बार देख होल इंटीग्रेशन ओके। देन इस बार एक्स साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन है 1/π, ये माइनस आएगा साइन इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स द्वारा माइनस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो है ये माइनस वन बाई साइन एक्स कॉस तो ये माइनस वन बाई पाई साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स क्या होगा ये माइनस वन बाई पाई माइनस वन बाई पाई साइन कॉस पाई एक्स ये डी डी का इसका माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स माइनस वन बाई पाई माइनस वन प्लस वन बाई पाई ये कॉस पाई एक्स ओके ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ द साइन पाई एक्स क्या है माइनस 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 प्लस वन बाई पाई कॉस पाई एक्स ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन देन ये पहले इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे क्योंकि इसके लिए एक इंटीग्रेशन और इसके लिए एक इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है तो पहले से इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे ये माइनस एक्स बाई पाई कॉस पाई एक्स ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फिर वन बाई पाई स्क्वायर वन बाई पाई साइन पाई एक्स ये इसका इंटीग्रेशन वन बाई पाई साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन ठीक है अच्छा प्लस सी रहेगा लेकिन जब वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा उसको सी हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन माइनस वन से प्लस वन तुम ऐसे भी कर सकते हो माइनस वन से जीरो जीरो से वन दोनों प्लस कर सकते हो ना डायरेक्ट भी कर सकते तो देखिए ये क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन तो निकल चुका है ये माइनस वन से प्लस वन ये माइनस एक्स बाय पाई ये पहले से इसलिए कर दे इसका इंटीग्रेशन उसके लिए एक तो इसके लिए एक तो टाइम टेकिंग ओके ये वन बाय पाई स्क्वायर ये साइन पाई एक्स ये माइनस वन से प्लस वन ये पॉजिटिव आ रहा था ये पॉजिटिव आया था और ये नेगेटिव वन से थ्री नेगेटिव आया था सेम चीज है क्योंकि इसके लिए उसके लिए अलग अलग होगा इसलिए पहले से इंटीग्रेशन करते हैं माइनस एक्स बाय पाई कॉस पाई एक्स माइनस एक्स बाय पाई कॉस पाई एक्स प्लस वन बाय पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स ओके ये कहां से कहां देखिए ये कहां से कहां ये वन से थ्री बच्चों में यहाँ तक हो गया लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको फिर से दिक्कत हो रही है पहला वन कीजिए सर हाँ जी सर वन से थ्री बाई टू तक होगा ना ओह सॉरी वेरी गुड सुवेंदु थैंक यू ओके वन से थ्री बाई टू सॉरी यहाँ पर ओके गुड गुड ये पहला वन पुट कर लीजिए वन पुट कर लीजिए माइनस वन बाय पाई कॉस पाई मैं बोल रहा था कॉस पाई इधर सर्कल कर लीजिए अब पता चल जाएगा कॉस पाई कॉस जीरो डिग्री वन है तो कॉस वन एटी माइनस वन है और नहीं तो कॉस इसका ग्राफ करके भी देख सकते हैं ओके कॉस इसका ग्राफ करके भी देख सकते हैं अगर कॉस वन एटी का चाहिए एक्चुअली बच्चे भूल जाते हैं कॉस जीरो डिग्री वन होता है कॉस नाइनटी जीरो होता है कॉस पाई वन एटी माइनस वन होता है
पाई चाहिए भूल जाते हो, इधर ये सर्कल करके कर लो, ऐसा ग्राफ करके भूल जा लो, कॉस 180 माइनस वाला। तो बच्चों हम पुट किए पहले वन पुट किए, तो ये माइनस वन में पाई, कॉस 180 कितना हुआ बच्चों, कॉस 180 कितना आया, माइनस वन आया, कॉस 0 डिग्री वन है तो कॉस 180 माइनस वन है। नेक्स्ट 1/π² ये साइन पाई, साइन पाई 0 होता है बच्चों, वन डालने साइन पाई 0 होता है। अब माइनस वन सर, सर हाँ बोलो सर, वो माइनस वन पाई होगा ये वाला ना, कौन सा ये कौन सा वाला, ये तो माइनस सर इधर नीचे वाले पे माइनस वन बाय पाई इनटू माइनस वन इनटू पाई, माइनस वन बाय पाई इनटू माइनस वन, यहाँ पर बात बोल रहे ना क्या आनंद, ये माइनस वन डाले कॉस क्या डाले, वन डाले ना पहले, पहले वन डालने कॉस पाई माइनस वन होता है, वन डाले अनंत पहले वन डाले, साइन पाई जीरो होता है, जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा। यस सर, यस। अच्छा स्क्वायर पर जो पहले वन का सब फूट हुआ उसके बाद माइनस वन का फूट कर रहे, माइनस वन का फूट कर रहे थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन बाय पाई, ये कॉस माइनस थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा पर जो प्लस कॉस थीटा एसटी से रूल, कॉस माइनस थीटा यहाँ माइनस थीटा में से कॉस सेक की पॉजिटिव है, अब एसटी से रूल होता है, कॉस सेक की पॉजिटिव है तो हमारा क्या होता है, देखिए कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ओके तो तुम्हारा ये देखिए, पहला हम ये वन फुट हो गया, उसके बाद माइनस वन फुट कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस वन बाई पाई हो गया, ये कॉस पाई कॉस माइनस पाई, कॉस माइनस पाई प्लस कॉस पाई होता है, कॉस जीरो डिग्री अगर वन है तो कॉस पाई माइनस वन आएगा, माइनस माइनस प्लस वन कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस वन, माइनस वन का पुट करें बच्चे, ये वन बाय पाई स्क्वायर, ये पुट कीजिए साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई, लेकिन साइन पाई जीरो होता है, जीरो इंटू सब जीरो हो जाएगा। जो यहाँ पुट किए साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई, लेकिन साइन पाई का वैल्यू जीरो है, जीरो ये सब इंटू है फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा ये इंटू है बच्चों, ये सब जीरो हो जाएगा, ये डाले जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा सर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, पहला क्या पुट करेंगे, 3π पर ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, होगा भी ये। ओके ये पुट कीजिए माइनस 3π पर, माइनस 3π/2π, ओके 3/2 होगा, एक्स के बाद 3π और नीचे पाई है, ओके कॉस 3π/2 जीरो, कॉस जीरो डिग्री, कॉस 3π/2 देख लीजिए क्या आ रहा है, कॉस 3π/2 जीरो, साइन यहाँ पर कॉस 90 अगर जीरो, कॉस 3π/2 जीरो, ग्राफ भी करके देख सकते हो, ये साइन का ग्राफ, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 इस कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 जीरो, कॉस 180 माइनस 1, कॉस 3π/2 जीरो, ग्राफ भी करके देख सकते हो, ये बहुत जरूरी है सभी पहले जानना। ओके टाइम लगेगा ये थोड़ा, तो 3/2 डाले तो cos 3π/2 जीरो, 1/π²
पहले साइन थ्री पाई बाई टू, साइन नाइन्टी अगर वन है साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन है, साइन नाइन्टी अगर वन है साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन है, ठीक है ये हो गया। वन का पूर्ण कीजिए सेम आएगा, वन का पूर्ण कीजिए, हम वन पूर्ण किए थे, वन का पूर्ण किए थे, ये वाला आ गया सेम आएगा, क्या आएगा वन बाय पाई, सिर्फ वन बाय पाई ये जीरो हो जाएगा, वन का पूर्ण कीजिए ये वन बाय पाई आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है तो डाल दीजिए वन बाय पाई, और सेकंड करने की जरूरत नहीं। अब बच्चे धनाधन हो जाएगा, ये वन बाय पाई आगे, अगेन ये माइनस और माइनस प्लस वन बाय पाई ओके, और ये जीरो हो गया, और ये माइनस वन बाय पाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस वन बाय पाई स्क्वायर, माइनस वन बाय पाई स्क्वायर, माइनस वन बाय पाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस वन बाय पाई स्क्वायर, और क्या देखिए, और क्या देखिए, ये माइनस वन बाय पाई, ये माइनस माइनस प्लस वन बाय पाई, अच्छा कितना ना वन बाय पाई, तीन टो वन बाय पाई प्लस वन बाय पाई स्क्वायर, आंसर थोड़ा चेक कीजिए, क्या गलती है तो देख पता चल जाए, वन बाय पाई इधर वन बाय पाई, ये पहला थ्री बाय टू का पूर्ण किए ओके, उसके बाद फाइनली इसका पूर्ण किए तो वन, ये माइनस वन बाय पाई, माइनस माइनस प्लस वन बाय पाई, तो बच्चे आंसर थोड़ा चेक कीजिए, थ्री बाय पाई प्लस वन बाय पाई स्क्वायर, ठीक है अच्छा, सीबीएसई का जितना क्वेश्चन आया है वो भी करना है, और एनडीए में जो जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन बेस्ड आया है वो भी करना है, जेई मेन जेई एडवांस का भी करना है, पहले से कोर्स खत्म करो तुम्हें अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है बच्चों देखिए सेम है, जीरो टू थ्री बाई टू एक्स कॉस पाई एक्स ओके, ये जीरो टू थ्री बाय टू एक्स कॉस पाई एक्स, ये बच्चों आया था तुम्हारा सीबीएसई ऑल इंडिया 2016 में, चलो ये कैसे करते हैं x cos pi x ओके, सेम मेथड है बच्चों, पहला कहाँ कहाँ जीरो होता है, ये जीरो से थ्री बाय टू के बीच में कहाँ कहाँ जीरो होता है पहले निकालो ओके, एक्स का वैल्यू जीरो होने से जीरो हो जाएगा, और हमारा कॉस नाइन्टी जीरो, तो अगर एक्स का वैल्यू वन बाय टू पुट करते हो कॉस जीरो डिग्री वन, कॉस नाइन्टी जीरो, एक्स का वैल्यू वन बाय टू पुट करते हो तो बच्चों क्या आएगा, कॉस नाइन्टी जीरो तो कॉस जीरो डिग्री वन होता है कॉस नाइन्टी जीरो ओके, वन बाय टू पुट करने से जीरो हो रहा है, और थ्री बाय टू पुट करने से भी जीरो हो रहा है ओके, तो इनके बीच में एक ही तो आया ओके, इनके बीच में एक ही तो आया दैट इज वन बाय टू, जीरो पुट एक्स का जीरो पुट गया आएगा कॉस नाइन्टी जीरो होता है, कॉस थ्री बाई टू जीरो होता है, ठीक है अब देखना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, समझ बच्चों, थ्री बाई बाई टू जीरो, अब देखना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, इसके बीच में तो पॉइंट लो, इनके बीच में पॉइंट वन आएगा, वन लेके देखो ये पॉजिटिव है, कॉस पाई का वैल्यू बोलो,
कॉस पाई का वैल्यू कॉस 0 डिग्री 1 है कॉस 180 माइनस 1 है एक्स का वैल्यू अगर 1 लेते ये 1 आएगा कॉस एक्स का वैल्यू 1 लीजिए कॉस 180 माइनस 1 प्लस इनटू माइनस से नेगेटिव आता है नेगेटिव एक्स कॉस पाई एक्स प्रोफेसर बोला उनके बीच में के लिए 1 कॉस 180 माइनस 1 होता है कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो कॉस 180 माइनस 1 होता है अच्छा नेक्स्ट देखिए इनके बीच में एक पॉइंट लीजिए 0 और हाफ के बीच में 1 बाय 4 ले लीजिए 0 और हाफ के बीच में 1 बाय 4 एक ले लीजिए 1 बाय 4 कॉस 45 1 बाय 4 होता है ये पॉजिटिव आ रहा है तो बच्चों यहाँ पॉजिटिव आ रहा है ओके और ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ से तो ये आएगा ऐसे 0 से कितना 1 बाय 2 एक्स कॉस कितना पाई एक्स ये पॉजिटिव आ रहा है और 1 बाय 2 और क्या 3 बाय 2 ये नेगेटिव आ रहा है कुछ नेगेटिव आ रहा माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बच्चे समझे तो कैसे नेगेटिव आया अगर इनके बीच में एक 1 एक को ले रहे हैं तो ये 1 आ रहा है और कॉस 90 सर इनके बीच में 1 ले रहे तो 1 लेने से क्या हुआ कुछ बोलो क्या बोल रहे समझ रहे बोलो फिर से अच्छा अच्छा तुम ये वाला क्या किस टाइम हो गया क्या इतना जल्दी सर 5:45 तो हो रहा है फिजिक्स क्लास क्या बोल रहे शुरू हो गया सर 5:45 सात के 5:45 से शुरू कर दे रहे अरे फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा तो फिर एक ही प्रॉब्लम हुआ अच्छा तुम लोग ये थोड़ा होमवर्क लिख लो ये तो फिर ये बच्चे समझे 1 डालने से cos पाई माइनस 1 ये 1 पॉजिटिव और cos पाई माइनस 1 तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये अगर इसके बीच में 1 बाय 4 ले रहे पॉजिटिव आ रहा है इसका तुम बच्चों कर लोगे थोड़ा ओके मैं तो इसका वीडियो में भेज देता हूँ मेरे पास अरे थोड़ा आरडी शर्मा का थोड़ा बनाओगे होमवर्क ये मॉड का आरडी शर्मा का दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे अरे मॉडुलस इतना टाइम लगा और दूसरा टाइप को ये करो मुश्किल चीज है फोर्टी फाइव में कैसे सार ले लेना क्लास और कोई भी क्लास का बिगनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैं सार से बातचीत करता हूँ ये बच्चों आपको आर्टिसन का 22.3 में लेवल 1 आर्टिसन का 22.3 सेकंड बुक है एक्सरसाइज 20.3 अगर बुक नहीं है तो मैं ये कर देता हूँ व्हाट्सएप पे ये कर देता हूँ व्हाट्सएप कर देता हूँ 20.3 एक्सरसाइज 20.3 बनाना है मैं होमवर्क बच्चों भेज दे रहा हूँ तुम लोग ये साइन आउट हो जाए मैं होमवर्क भेज दे रहा हूँ अच्छा ये बना दोगे बच्चों नेक्स्ट क्लास